हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बेहतर होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी कह रहे थे, सर वॉइस ऑफ द रैन पे जो हमें प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, कैसे बनाए, तो आप उसमें हेल्प करिए। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए मैं हेल्प के लिए ही ये द वॉइस ऑफ द रैन का जो प्रोजेक्ट फाइल है वो लेकर आया हूँ, ठीक है? तो आई होप कि आपको बेहतर लगेगा। और डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए डियर स्टूडेंट, इस जो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से समझते हैं और प्रोजेक्ट को कैसे बनाया जाता है ये भी हम टेक्निक भी देखेंगे, राइट? तो क्लास 11th का होगा, प्रोजेक्ट फाइल है द वॉइस ऑफ द रैन, ठीक है? एक मेरे स्टूडेंट है जिन्होंने इसे बनाया है, ठीक है? उनको मैंने कम्प्लीटली गाइड किया है, तो चलिए इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नेम लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद आप क्लास लिखेंगे, ठीक है? इसके बाद प्यारे स्टूडेंट आप लिखेंगे रोल नंबर, ठीक है? नेम, क्लास, रोल नंबर लिखेंगे, राइट? इसके बाद आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट भी कभी कभी बोला जाता है टीचर के द्वारा लिखने के लिए, तो आप सर्टिफिकेट भी लिखेंगे। सर्टिफिकेट में इस बात को आपको अवश्य मेंशन करना है, एक नेसेसरी है, दिस इज़ टू सर्टिफाई डैट। यहाँ पे नाम लिखिएगा अपना स्टूडेंट जो भी बनाएंगे ये प्रोजेक्ट, ठीक है? ऑफ़ द क्लास जो भी 11th ए होंगे, बी होंगे, सी होंगे, ठीक है? हैज़ सक्सेसफुली कम्प्लीटेड द इंग्लिश प्रोजेक्ट ऑन द वॉइस ऑफ द रैन एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ मिसेज, जो भी अपने टीचर का नाम यहाँ पे लिखना, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। और डियर स्टूडेंट, ये क्लास 11th का जो चैप्टर है द वॉइस ऑफ द रैन, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी है, वो कंप्लीट यहाँ से आप पढ़ भी सकते हो, कंप्लीट नोट्स भी आप कर सकते हो, ठीक है? और ये प्रोजेक्ट फाइल भी है, ठीक है? अब अपना डेट भी मेंशन कीजिएगा, सब्जेक्ट, टीचर, ठीक है? इसके बाद आपको प्यारे स्टूडेंट क्या करना है, इंडेक्स कंपलसरी होता है बनाना, विदाउट इंडेक्स आपको जो है ना प्रोजेक्ट फाइल बेहतर नहीं होता है, तो आपको इंडेक्स इंक्लूड करना है, राइट? इंडेक्स में देखिए हमने इसमें क्या क्या कवर किया है, ठीक है? तो अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में, क्योंकि द वॉइस ऑफ द रैन जब आप पोएम है तो उनके बारे में अगर प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं तो सबसे पहले पोएम के बारे में, पोएट के बारे में लिखिए, ठीक है? उसका इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, ठीक है? नेक्स्ट थर्ड है पोएम आपको राइट डाउन करना है, फिर पोएम को समराइज करना है और समराइज के साथ साथ एनालिसिस भी करना है उसी में, ठीक है? वर्ड मीनिंग भी, जो भी डिफिकल्ट वर्ड है उसको आप वर्ड मीनिंग भी फाइंड आउट करते हैं, राइट? इसके बाद पोएटिक डिवाइस आप यूज करते हैं, ठीक है? इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, पोएम का क्या स्ट्रक्चर है ये भी आप मेंशन करते हैं, राइट? उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर, ठीक है? क्वेश्चंस के आंसर भी है। तो आई होप कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके प्यारे स्टूडेंट। सबसे पहले जो है ना द वॉइस ऑफ द रैन के राइटर को आप क्या यहाँ पे क्या करेंगे, उसका पिक जरूर आप पेस्ट कीजिएगा, ठीक है? इससे क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट इफेक्टिव बनता है और काफ़ी बेहतर होगा, राइट? इसके बाद आपका जो है ना क्या करना है डियर स्टूडेंट, अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएट में आप देख ही रहे, यहाँ पर मैंने मैंसन कर दिया है, ठीक है? ये मैंने बच्चों को गाइडलाइन दिया था जो भी जिन्होंने बनाया है, प्रेरणा सिंह, ठीक है? वॉल्ट विटमैन्स जो कि मई 31, 1819 का, यानी इनका बर्थ हुआ था, और मार्च 26, 1892 में ये एक्सपायर कर गए, ठीक है? ही वॉज डाइड, ठीक है? इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अमेरिकन राइटर है। अब आपको याद रखना है वॉल्ट विटमैन्स कौन है, अमेरिकन राइटर है, इनका बर्थ जो है ना 1890 में हुआ था और ये एक्सपायर किए थे 1892 में, राइट? ये अमेरिकन राइटर है 19th सेंचुरी के, एंड द मेनी क्रिटिक कंसीडर हिम द नेशंस ग्रेटेस्ट पोइट, और बहुत सारे क्रिटिक कहते हैं जो नेशंस के लिए, यानी राष्ट्र के लिए, अपने नेशन के लिए काफ़ी ग्रेट पोइट थे ये, ठीक है? हिज बुक लीव्स ऑफ ग्रास विच ही एडिटेड एंड एक्सपेंडेड ओवर द कोर्स ऑफ हीज लाइफ इज एन मास्टर पीस ऑफ द अमेरिकन लिटरेचर, यानी जो है ना इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है डियर स्टूडेंट, लीव्स ऑफ द ग्रास, जो कि मास्टर पीस कहा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे काफ़ी इन्हें जो प्रेस्टिजियस मिली, यानी इसी बुक से मिली इन्हें, ठीक है? इन एडिशंस टू द राइटिंग्स पोएट्री, विटमैन वर्क एज द जर्नलिस्ट,
और विटमैन जर्नलिस्ट भी है, वॉलंटियर भी है इन द मिलिट्री हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल। तो लीव्स ऑफ ग्रास इनके मेजर वर्क है और इसी की वजह से वो फेमस हुए थे। और ये मतलब एज ए जर्नलिस्ट भी काम किए हैं, एज ए वॉलंटियर भी काम किए हैं मिलिट्री हॉस्पिटल में, राइट। तो ये इनकी जो है ना अबाउट राइटर के बारे में हमने शॉर्ट में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम बताना है, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम ये आपको अच्छे से हेडिंग जरूर डालनी है, ठीक है, क्योंकि हम जब इंडेक्स बनाए हैं तो उस इंडेक्स में आपको दिखाया है हमने, ठीक है। इंट्रोडक्शन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन रिटन बाय द वॉल्ट विटमैन्स, ठीक है, इज अबाउट द पोएटिक्स इमेजिनरी कन्वर्सेशंस रेन ड्रॉपलेट्स इन द एंड द सेंस दैट हिज पोएट्री इज लाइक द रेन ड्रॉपलेट एज बोथ ऑफ देम प्ले एज द क्रूशियल रोल, ये रोल है आपका, ठीक है, इन द वर्ल्ड और क्रूशियल रोल इन द ह्यूमन लाइफ, राइट, ऑफ मेकिंग इट्स लिवियर लाइवलियर, ठीक है। द पोएम इज ए फ्री वर्स विदाउट एनी राइमिंग स्कीम, यानी इसमें कोई भी वर्स नहीं है, ठीक है, कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। इसके बाद डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे जो है ना ये पोएम का जो पिक्चर है इसको आप ज़रूर पेस्ट करें, ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल पिक्चर है ये, ठीक है, आप इसे ज़रूर पेस्ट करें। आप नेट से भी निकाल सकते पिक्चर, राइट, और कैसे निकालेंगे, द वॉइस ऑफ द रेन पिक्चर आप लिखे हुए तो आपका सारा पिक्चर आ जाएगा, राइट। द वॉइस ऑफ द रेन ये पोएम है, ठीक है, यहाँ पे आप पोएम आप देख ही रहे, ये पोएम है, ठीक है, तो इसे आप इजीली आप ये नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक से, बुक से, ठीक है। इसके बाद समरी आपको लिखना है, क्या करना है, समराइज करनी है, राइट। द समरी ऑफ द पोएम्स द वॉइस ऑफ द रेन सिग्निफाई द एवर लास्टिंग रेड दैट द रेन प्लेज इन द नॉरिशिंग क्वेंचिंग प्यूरिफाइंग एंड द हार्वेस्टिंग द डिफरेंट एलिमेंट मदर ऑफ द अर्थ। तो ये आप इसे जो है ना अच्छे से ये सारे लिख लेंगे, राइट। आई होप कि आपको ये समरी भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आपको फाइल बनानी है। इसके बाद आपको डियर स्टूडेंट लिख वर्ड मीनिंग आपको ज़रूर लिखनी है, ठीक है। तो देखिए वर्ड मीनिंग है जैसे सावर, सावर मीन्स क्या होता है, रैन होता है, इटर्नल, इटर्नल फॉर एवर होता है, राइट, इम्पेलेबल यानी कैन नॉट बी टच्ड, जिसको हम टच नहीं कर सकते, बॉटमलेस डीप सी, अपवर्ड गोइंग हाई विगरली नॉट क्लियरली, लेव वॉश एटोमी एवर एवरी पार्टिकल्स लैटेंट नॉट एबल टू ग्रो, और फोर बिकॉज का यहाँ पे मीनिंग देता है, राइट, एसोइंग स्टार्टिंग वर्थ प्लेस रिवर्स एंड सीज, जहाँ से स्टार्ट होता है, राइट, फुलफिलमेंट आफ्टर द रनिंग फॉर द अर्थ और सॉन्ग्स बींग द लिस्टेन टू इन द वर्ल्ड, वंडरिंग क्लाउड्स वंडर्स अक्रॉस द स्काई, और ये सारे आप अच्छे से लिख लेंगे, राइट। इसके बाद पोएटिक डिवाइस भी आपको लिखना है, क्या करना है डियर स्टूडेंट, पोएटिक डिवाइस, पोएटिक डिवाइसेस क्या है इसे आपको नोट डाउन करना है, राइट, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशंस, राइट, रेन इज पर्सोनिफाई इन द होल पोएम, द रेन टॉक्स टू द पोएट लाइक ए ह्यूमंस, हियर आर सम डायलॉग बाय द रेन, आई डिसीड टू द लीव द ड्रॉट्स एटोमीज डस्ट layers of the globes, I give back life to my own. Alliterations है, the इसके बारे में भी आपको नोट डाउन कर लेना है, राइट। इसके बाद मेटाफर भी है, जो कि मेटाफर क्या है, थिंग्स रिगार्डेड एज द रिप्रेजेंटेटिव और सिम्बॉलिक और समथिंग एल्स, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, ये जो लाइन है ये इसमें मेटाफर आपको दिखेगा, राइट। नेक्स्ट आप लिखेंगे डियर स्टूडेंट यहाँ पे हाइपरबोले भी है, हाइपरबोले क्या होता है, देखिए
एग्जेजरेटिंग्स ऑफ द समथिंग्स टू गिव द ग्रेट इफेक्ट, यानी एग्जेजरेट यानी बढ़ा चढ़ा करके बोलना, ठीक है, जैसे बॉटमलेस सी, बट ऐसा होता नहीं. इमेजिनरी इमेजरी इमेजरी क्या होता है, फ्रेज डैट द क्रिएट द इमेज इन द रीडर्स माइंड, यानी इमेजरी क्या होता है, जो रीडर्स के माइंड में जो है ना क्या करता है, फ्रेज को क्रिएट करता है, राइट. एंड नाउ नेक्स्ट, एंटीथेसिस अपोजिट ऑन द सेम लाइंस बाय द रिकेट और अनरिक्ड, राइट. ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन क्या होता है, ए फिगर ऑफ स्पीच इन द विच द अपरेंटली कंट्राडिक्टरी टर्म्स एपियर्स इन द कंजंक्शंस डे एंड नाइट, रिक्ड एंड अनरिक्ड. तो ऑक्सीमोरन क्या होता है, द फिगर ऑफ स्पीच होता है विच द अपरेंटली कंट्राडिक्टिंग टर्म्स अपीयर इन कंजंक्शन, यानी कंजंक्शन के बीच में, यानी एंड है कंजंक्शन, जैसे डे एंड नाइट, नाइट और डे में जो कंपेरिजन है, डेट इज ऑक्सीमोरन, राइट. तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है प्यारे स्टूडेंट. इमेजरी क्या होता है, क्रिएट करता है इमेज को, जो रीडर्स के माइंड में वो इमेजरी होता है, राइट. इसके बाद आपको ये भी, हाइपरबोले क्या होता है, जो बढ़ा चढ़ा करके बोलना, एग्जेजरेट करना, राइट. एंड नेक्स्ट वन इज ऑक्सीमोरन, भी मैंने बता दिया, ठीक है, यानी दो चीज़ों को कंजंक्शंस के साथ कंपेयर करना, डे एंड नाइट, दिन और रात. अब एक्सप्लेनेशंस करेंगे इस पोएम को आप, राइट, एक्सप्लेनेशंस, और साथ साथ में ऐसे जरूर करेंगे, यहाँ आप अंडरलाइन ऐसे भी कर सकते हैं, डेट इज़ गुड, अगर नहीं भी करते तो इट्स योर चॉइस, बट हाँ ऑल ओवर ठीक है. स्पीकर्स जो है ना इसमें बताता है, ठीक है, ये सारे आप इसका एक्सप्लेनेशंस आप आराम से लिख लीजिए, इजीली लिख लीजिए, कोई बात है नहीं है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए देख करके, राइट. ये भी आपको करना है. इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, पोएम का क्या स्ट्रक्चर है प्यारे स्टूडेंट, ये हमें मेंशन करनी है, राइट. पोएम का जो स्ट्रक्चर है, द वॉइस ऑफ द रेन रिटन बाय द वॉल्ट विटमेंस इज ए 12 लाइन्स पोएम है, यानी कितने 12 लाइन की पोएम है, ठीक है. डैट इज द कंटिन्यू विद इन ऑन द स्टेंजा ऑफ द टेक्स्ट, द लाइन्स आर रिटन इन द फ्री वर्स, यानी फ्री वर्स में है, मीनिंग डैट दे डू नॉट यूज ए स्पेसिफिक राइम, यानी उन्होंने कोई स्पेसिफिक राइम नहीं यूज किया, राइमिंग स्कीम और द मटेरियल्स पोलन. दिस स्टाइल ऑफ द रिटन इज closely associated with the many and he often referred to as the fathers of the free verse of the poetry, और इन्हें हमेशा free verse of the poetry के जो father इन्हें कहा जाता है, ठीक है. और आगे और लिखेंगे प्यारे student, इसे अच्छे से आपको note down करना है, right. Although there आर इज नो राइम्स स्कीम्स, दे आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द हाफ राइम इन द वॉइस ऑफ द रेन इन द फॉर एग्जाम्पल, जैसे सावर एंड द आंसर्स इन द लाइन्स आर एंड टू इट कैन अपीयर एट द एंड ऑफ द लाइन्स इंटरनली द लाइन्स. नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन करेंगे, राइट, अच्छे से आराम इजली आप नोट डाउन कर लीजिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. वाई डज द पोएट कॉल दिस पोएम एज ए ट्रांसलेशंस, द वॉइस ऑफ द रेन इज द नेचुरली मिस्टीरियस एंड द इज डिफरेंट आवर ओन, सो द पोएट हु ऑल्सो अंडरस्टैंड्स इट्स ट्रांसलेट द रिप्ले ऑफ द रेन इन टू द इंग्लिश. यहाँ पे फुल स्टॉप जरूर डालेंगे, राइट. What is the life cycle of the clouds? Cloud का life cycle क्या होता है? The clouds are nothing but the water in the form of gas. And the searching sun turns the water on the land and the sea vapor. The water vapor rise upward like the dew clouds and the float in the skies. Finally, the clouds again return to their birthplace in form of rain. Right. And next here, dear student, what questions does the poet ask for the rain? What reply does he get? The poet asks the rain who see the rain in its mysterious voice
इंट्रोड्यूस हर्सेल्फ एज ए पोएम ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, इसे भी आप इजीली नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ डियर स्टूडेंट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। और वहाँ से आप जा करके आप ईजिली डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको हर एक प्रोजेक्ट आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। आप प्रोजेक्ट का नाम लिखो और लेट्स डिस्कस लिखो, आपको मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम पे ज़रूर आप जुड़ जाइए, ठीक है। और साथ साथ में आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मैं लिंक अपडेट करता हूँ। और आप FB पर भी फॉलो कर सकते हैं, लेट्स डिस्कस नाम से पेज बनी हुई है, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।